हमारे सामने क्वेश्चन है, सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस का और एलिमेंट कंपैरिजन से सबकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 4a माइनस 3 और इधर हो जाएगा 3a प्लस 2 एंड इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3 और यहां है हमारा b 4 11 c। सो सबसे पहले देखा जाए तो c की जो वैल्यू आ रही है c इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 3a प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 11। सो 3a इज इक्वल टू 9। सो a इज इक्वल टू 3, a की भी वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है और 4a माइनस 3 इज इक्वल टू हो रहा है b। सो 4 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू b, यानी कि सिंस b इज इक्वल टू आ गया 9। और ये सब हमारे आंसर है जो कि हमें